मैं हूँ नेहा सिंह बोलकर बॉलीवुड के साथ, और इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है पंजाब की सबसे फेमस एक्ट्रेस सारा। आरा, सारा क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि बिग बॉस 14 में लोग अब आपको देखने वाले हैं, एक अलग ही पंजाब का एक अलग ही तड़का देखने मिलेगा, उसके बारे में आप कितनी ज्यादा एक्साइटेड और क्या कहना चाहेंगी? आई एम फुली एक्साइटेड. अभी पंजाब ने बहुत किल किया है BB13, सो BB14 के लिए वी आर रेडी. और हमारा तो अभी यू नो 2020 का कहना भी ये है BB14 का कि 2020 को हम देंगे करारा जवाब, बिकॉज बहुत हो गया था लॉकडाउन एंड वी बिन इन साइड द लॉकडाउन. और अभी फाइनली बिग बॉस आया है और एवरीबडी वॉज वेटिंग ऑन इट, सो आई एम तो वेरी एक्साइटेड. अच्छा सारा, जितना मैंने आपका इंस्टा देखा है, बहुत अच्छा गाती है, काफी ऐसे सॉन्ग्स है जो आप गा चुकी है, आप क्या कहना चाहेंगी अपने आप को घर के अंदर रिलैक्स करने के लिए? क्या एक तरह से मैं कह सकती हूँ सिंगिंग आपका एक सहारा बन सकता है कि भैया आप लड़ते रहो, मैं गाना गाती हूँ? इट कैन बी एक्चुअली, क्योंकि क्योंकि म्यूजिक तो पीस देता है, व्हेन यू सिंग इट तो और ज्यादा पीस देता है. म्यूजिक से अच्छी कोई चीज ही नहीं है इस वर्ल्ड पे. व्हाई आई चोज सिंगिंग, व्हाई आई वांटेड टू बी अ सिंगर, बिकॉज इट्स अ एक्सप्रेशन. लाइक आप कैसे भी किसी भी सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन में म्यूजिक आपकी बहुत हेल्प करता है. तो इट कैन बी वन ऑफ द यू नो क्या बोलते हैं वे आउट इन चीजों से, लड़ाई झगड़े से. आई कैन जस्ट जस्ट गो समवेयर एंड जस्ट सिंग माई थिंग एंड दे फाइट. I don't care. इस बार का ऐसा भी है कि आप फिजिकल जो भी एक्टिविटीज है वो नहीं होंगी, आप किसी को मार नहीं सकते, आप किसी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, जो लास्ट सीजन में सबसे ज्यादा देखने मिला था सारा? क्या सच में लग रहा है जो भले ही गाइडलाइंस आप दे रहे हो, पर एक बार घर के अंदर जाने के बाद ये सारी चीजें बदल जाती हैं? कुछ भी हो सकता है, दिस इज बिग बॉस हाउस, तो मैं तो बहुत ऐसे हूँ, मैं तो कुछ गेस नहीं करती. कुछ भी हो सकता है यार, आई डोंट गेस इट आंटी, अनलेस आई एम इनसाइड द हाउस, कैसे क्या होगा. बट जो भी होगा मजा आएगा, जो भी होगा बढ़िया ही होगा. लाइक वुड बी डूइंग इट विद ऑल द एफर्ट्स एंड ऑल द पावर. अच्छा लास्ट सीजन ऐसा हुआ था कि जो भी पंजाब से दो एक्ट्रेस आई थी, शहनाज और हिमांशी, उन दोनों का नाम लोगों के साथ जुड़ चुका था ऑलरेडी, उनकी जोड़ी बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी, तो इसके लिए भी तैयार है क्या सारा कि भैया मेरा भी एक बन सकता है जोड़ी घर के अंदर जाके? आई इस चीज के लिए मैं इस चीज को सोच के नहीं जा रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि मुझे लगे शनाज लाइक उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ये चीज हो जाएगी. सो इट्स लाइक लेट्स गो विद द फ्लो, अगर वो सच्ची है तो वो हो रही है, नहीं तो नहीं है. यू नो इट्स लाइक दैट, यू डोंट हैव टू लाइक प्रेशराइज ऑन योर माइंड कि मेरे को ऐसा जाके ऐसे गेम करना है कि भैया तुम पहले बॉयफ्रेंड बनाओ फिर गेम खेलूंगी. आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. और मेरे को तो मतलब मेरे तक पहुंचने के लिए, मेरे तक वो चीजें करने के लिए बहुत ही पेशेंस चाहिए और बहुत हिम्मत भी चाहिए और बहुत मेहनत भी चाहिए, बिकॉज मैं इजिली किसी पे यकीन नहीं करती. आई डोंट ट्रस्ट पीपल इजिली, नॉट एट ऑल. अच्छा सारा, अभी से ही आपको और शहनाज को कहीं ना कहीं कंपेयर करना लोग शुरू कर चुके हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक नई शहनाज आपको बिग बॉस 14 में देखने मिलेंगी, पर मैंने आपसे जितना बात किया है मुझे काफी अलग लग रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? यार ये तो ना बातें हैं हमारी, पंजाबी होती क्या आंटे, अगर कोई और भी आ रहा होता तो वो पंजाब से तो वैसे ही होता. और इसमें आई डोंट फील बैड अबाउट इट दैट आई एम बीइंग कंपेयर्ड, क्योंकि उसने इतना अच्छा एक लेवल दिया है यू नो BB13 का, वो अचीव करना कितना मुश्किल है, यू नो इट्स वेरी हार्ड टू अचीव दैट. सो आई बिलीव इट्स फाइन, इट्स डेफिनेटली फाइन. वो तो घर के अंदर जब होंगे तो उन्हें पता ही लग जाएगा, लाइक नाउ यू नो दैट यू टॉकिंग टू मी कि कितना अलग है सब चीजें. बट आ कंपेरिजन तब तक तो होगा ही जब तक कि वो मेरे को नहीं देखेंगे. या हो सकता है कि BB14 में और भी कुछ और बढ़िया होना हो पंजाब की तरफ से. सो बट या दैट्स गुड, आई मीन इफ आई एम गेटिंग कंपेयर, आई डोंट टेक इट नेगेटिवली, बिकॉज शी डिड वेरी वेल, शी डिड वेरी वेरी वेल. और आने वाले टाइम में पीपल विल नो दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी आई एम यू नो कैसी हूँ, कैसे बात करती हूँ, कैसे क्या डिफरेंस है हम दोनों में. हो सकता है कुछ चीजें बहुत कॉमन भी हो, बट ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही सेम होगा. लेट्स सी, वो तो लोग देखेंगे जब, तो दे विल गेट टू नो. अच्छा बिग बॉस के कुछ फेमस एक्स कंटेस्टेंट भी शो का पार्ट बनने वाले हैं, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला, हिना गौहर, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉलोअर्स बिग बॉस के वक्त में इन्हीं के बने थे? यार ये लोग तो बहुत अच्छा गेम प्ले करके गए थे. गौहर इज माई वन ऑफ द फेवरेट, हीना एंड सिद्धार्थ, दे वर रियली 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 गुड, यू नो. और वो आ रही है तो दैट्स गुड, आई गेस दैट्स गुड फॉर अस, बिकॉज दे विल प्रॉब्ली टेल अस सम गुड स्टफ, ओनली कुछ अच्छी चीजें ही बताएंगे. बट ये मुझे नहीं पता वो किस लिए आ रहे हैं, क्या एजेंडा है और किस लिए क्या होगा. तो बट जो भी होगा टेकिंग इट वेरी पॉजिटिवली, कि जो लोग एक्सपीरियंस है वो हमारे पास आएंगे तो कुछ अच्छा ही बताएंगे.
ये मैं स्पेशली जानना चाहती हूँ, घर के अंदर सबको अपनी एक ड्यूटी मिलती है कि आपको ये करना, आपको ये करना। लास्ट टाइम अगर आपने फॉलो किया होगा, आपको पता है कि ड्यूटीज को लेकर सबसे ज्यादा झगड़े हुए थे। आप क्या कहना चाहेंगे, आप ऐसी कौन सी सी चीज है जो आप चाहेंगे यार मेरे को ये बिल्कुल काम ना मिले तो अच्छा है? ऐसा नहीं है, आई एम गुड विद एवरी वर्क, आई एम गुड विद एवरी वर्क, लाइक आई एम नॉट लाइक नखरे वाली नहीं हूँ मैं कि मुझे ये नहीं करना वो नहीं करना, मुझे नहीं करना तो किसी और को करना है, यू नो, तो काम तो करना है, यू कैन नॉट जस्ट टेल कि मुझे नहीं करना। बट मुझे मुझे सब काम करना अच्छा लगता है, लाइक आई लाइक क्लीनिंग, आई लाइक कुकिंग, आई लाइक एवरी थिंग, सो मुझे इतना कोई स्ट्रेस और टेंशन वाला डर नहीं है मतलब। अच्छा सर, घर आपने इतना बिग बॉस फॉलो किया, एक चीज जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऐसी कौन सी चीज है जो सारा चाहेंगी क्या मैं घर के अंदर ना करूं जैसे बाकी कंटेस्टेंट कर चुके हैं, जैसे जो चाय फेंकना होता है या जो जिस तरह के झगड़े होते हैं, ऐसा कौन सी सी पार्ट है जिस चीज से आप चाहेंगे कि मैं यार इस कॉन्ट्रोवर्सी में ना फंसूं तो मेरे लिए अच्छा? यार इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि हाँ इस लेवल तक कोई चीज ना जाए कि कोई फिजिकल अब्यूज तक बात जाए, यू नो, फिजिकल होने तक, हाथ पैर चलाने तक, मैं चाहती हूँ कि उस वो चीज ही ना आए। मैं नहीं चाहूंगी कि कोई लड़का किसी लड़की के पीछे जबरदस्ती उसकी जस्ट बिकॉज शी इज अ गर्ल उस तरीके से उसको कमेंट कर रहा है, तो आई वॉन्ट बी एबल टू टेक दैट। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, मतलब फिजिकल उन चीजों से दूर रहें, ज्यादा गाली गलौज भी ना हो, सो वी शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस। सारा लास्ट सीजन की अगर मैं बात करूँ, लास्ट सवाल मेरा, लास्ट सीजन की अगर बात करूँ तो शो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि शो को 1 महीना ज्यादा पुश किया गया, तो इस चीज के लिए आप कितनी मेंटली तैयार है कि भैया अगर शो फेमस हो गया तो हम लोग को 1 महीना और भी टिकना पड़ सकता है उसके लिए? यार वो तो बढ़िया ही होगा, आई मीन मैं ऑनेस्टली मैं सोच रही हूँ ऐसा कि अब की बार ऐसा भी ऐसा हो सकता है, मतलब बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, और होगा तो आई थिंक वो बढ़िया ही होगा। आई थिंक जब तक और बढ़िया तरीके से प्रिपेयर होंगे कि अब बाहर आना है तो शायद कोरोना और भी कम हो गया हो, यू नो, सो उसको पॉजिटिवली लेके, और बिकॉज कौन नहीं देखना चाहता है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू वॉच बिग बॉस, और सबको ऐसे होता है कि यार ज्यादा ज्यादा टाइम तक चलता रहे, और घर पे तो आजकल यू नो क्या माहौल चल रहा है कि जब जरूरत है तभी बाहर निकलना है, अदरवाइज यू हैव टू स्टे होम, तो मेरे हिसाब से तो बढ़ सकता है, एंड आई एम वेरी मच प्रिपेयर फॉर इट, वेरी मच, क्योंकि लास्ट भी वो कुछ गलत तो लेके नहीं जाएगा, वो चीज अच्छी हो रही है हमारे लिए, अच्छा है दैट वी आर स्टिल देयर इन अ बिग बॉस हाउस, सो या आई एम टेकिंग इट वेरी पॉजिटिवली। अच्छा लास्टली जाते थे बोल बोल के बॉलीवुड फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर यू नो फॉर वॉचिंग मी लाइक दिस, आई जस्ट वांट टू से कि जस्ट सपोर्ट एंड गिव योर you know wishes to us, because maine to kabhi life mein socha nahi tha that I'm going to go to big boss house and like this, aur main bahut bahut thankful hu aap sabka, already thanking you already in advance for everything, aur aane wale time mein jitna zyada ho sake vote kijiyega and save your favorite contestant, agar main aapki favorite hu then please save me, thank you sara humse baat karne ke liye and all the best, thank you tara bye।